राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। भारतीय रेलवे अपने नियमों के अंदर कुछ बदलाव करने वाली है और इससे कुछ समस्याएं भी जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि दोस्तों, अभी तक हम लोग ट्रेन में ट्रैवल किया करते थे, मान लीजिए हमारी किसी गलती के कारण या फिर हमको टिकट अपग्रेड करवाना है अपना अपर क्लास के अंदर, या किसी भी कारणवश टीटी को अगर हमें पैसे देने पड़ते हैं फाइन के रूप में कि दोस्तों या तो आप विदाउट टिकट ट्रैवल कर रहे हो या कोई भी केसेस के कारण टीटी आपकी स्लिप काट रहा है, आपका जुर्माना जो है काट रहा है और आपको उसको पैसे देने पड़ते हैं, तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या लोग फेस करते थे, वो थी कैश को लेकर। क्योंकि टीटीज वगैरह जो होते हैं ये लोग सिर्फ कैश एक्सेप्ट करते हैं। समटाइम्स होता क्या है कि रनिंग ट्रेन में आप कैश अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो रेलवेज ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझा और इसके ऊपर एक्ट अपॉन करना शुरू करा। उन्होंने क्या करा कि आपने देखा होगा ट्रेन में आजकल जो आपकी टिकट चेकिंग होती है दोस्तों, वो पहले चार्ट से होती थी, मतलब पेपर वाले चार्ट होते थे उनसे की जाती थी, लेकिन आज के वक्त में टीटीज के पास आपने देखा होगा टैबलेट से होते हैं और वो टैबलेट में जो है आपकी टिकट चेक करते हैं। अब वो टैबलेट जो टैब जो होता है वो बेसिकली उसको कहते हैं HTT, हैंड हेल्ड टर्मिनल, ठीक है। और रेलवेज ने क्या करा है कि उन्हीं हैंड हेल्ड टर्मिनल के अंदर एक QR कोड जनरेशन वाली सुविधा को जो है लेकर आने वाला है, जिसके अंदर दोस्तों आपको यदि कोई जुर्माना वगैरह, मान लीजिए आपकी टिकट अपग्रेड होनी है, मान लीजिए आप 3rd AC में ट्रैवल करना है, आपको 2nd AC या 1st क्लास में अपग्रेड कराना है, या वेटिंग वाला कोई केस है, या किसी भी कारणवश आप जो है कोई भी जुर्माना रेलवे को पे कर रहे हैं, तो उन हैंड हेल्ड टर्मिनल्स के ऊपर एक QR कोड जनरेट हो जाएगा आपके जुर्माने के लिए, जो भी अमाउंट आपको पे करनी है, और आप डिजिटली पेमेंट को जो है कर पाएंगे। दोस्तों यही सारी चीज रेलवेज अब चेंजेस कर रहा है और क्या कर रहा है कि जो आपके PRS काउंटर होते हैं, पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर जो होते हैं, वहां पे भी QR कोड की सुविधा जो है लाई जाएगी। आपने देखा होगा जब हम पैसेंजर रिजर्वेशन काउंटर पे टिकट बुक कराते हैं, वहां पे जो विंडो होती है वहां पे हमारी डिटेल्स की अपडेट होती है कि भाई आपने यहां से आ तक की टिकट कटा रहे हो, इतने पैसेंजर हैं, इस डेट की करा रहे हो, ये ट्रेन की करा रहे हो, तो उसी के अंदर वहां पे जब आप फाइनल ट्रांजेक्शन वो हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, और जब वो एक एंटर का बटन दबाएंगे तो वहां पे QR कोड बना आ जाएगा। अब आप वहां पे जो कमर्शियल क्लर्क बैठे हैं उनको या तो आप कैश पे कर सकते हो, अगर आपके पास कैश है, नहीं है तो आप QR कोड के जरिए इसको जो है पे कर सकते हो। रेलवे ने कई सारे जोन्स के अंदर और डिविजन के अंदर इसको थोड़ा थोड़ा डिप्लाई करना शुरू कर दिया है। हालांकि ऐसी आशंका जताई जा रही है 1 अप्रैल से इस नियम को पूरी तरह से जो है लागू कर दिया जाएगा रेलवे के अंदर, और लगभग 2 से 3 महीनों के अंदर आपको ये सब जगह बहुत मतलब एक पैक वे में जो है फॉलो होता हुआ शुरू हो जाएगा। तो यदि आप अपनी कोई नेक्स्ट ट्रेन जर्नी वगैरह प्लान करते हैं तो कैश वगैरह को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से डिजिटल पेमेंट जो है आप यहाँ पे कर पाएंगे और कोई आपको समस्या जो है नहीं आने वाली है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएँ।